उधर आए, आओ बेटा। ये थैंक यू। अच्छा जी, हमारी बेटी किधर है? उसको तो बुलाएं। मैं बुलाती हूँ, किचन में होगी। देखिए, आप उसको किचन के कामों में लगा लेती हैं, इसलिए तो मैं उसको जल्दी ले जाना चाह रही हूँ, क्योंकि एक दफ़ा वो हमारे घर आ गई तो हम इसे शहजादी बना के रखेंगे। अल्लाह नसीब अच्छी करे। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपकी बेटी को भी बुलाती हूँ और चाय भी। मदिया, आप ये सब रहने दें, आप मेरे पास आकर बैठें, चाय भी आ जाएगी। एक्चुअली मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है हॉस्पिटल, तो बस मैं यूं गया और यूं आया थोड़ी देर के लिए। बेटा अभी तो आए हैं आप। नहीं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो बस मैं गया और आया। आप लोग एक दूसरे को कंपनी दें, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक। सॉरी आंटी, तो इसका मतलब है फिर आप खाना खा के जाएंगे। सही है? ओके, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलिए, ओके, मैं बस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो बहुत प्यारी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरीना जुनैद है। आओ बैठो। लीना, अभियान भाई कहाँ है? अभियान भाई अभी दफ्तर के लिए निकले हैं, आने वाले हैं थोड़ी देर में। बहुत ही प्यारी हो। बेटा बहुत अच्छे लोग हैं। शुमाइला कितनी प्यारी है, सीधी सादी, हसमुख, बिल्कुल कोई बनावट नहीं है उसमें। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अभी मुझे भी डॉक्टर साहब बहुत पसंद आए। उनको तुम अभियान भाई कहने की आदत डाल। अच्छा सुनो, खाने के लिए कुछ बना लो। मुझे लग रहा था कि चाय पी के चली जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि खाने के बाद ही जाएगी, तो जल्दी से कुछ बना। मैं बनाती हूँ। और ये फिर ट्रॉली भी ले आना। हानिया, इसको ऊपर रखो, इसको सही करो। लेकिन बनाना क्या है, बता के तो गई नहीं। देखो फ्रिज में चिकन भी रखा है, गोश्त भी, दोनों बना लेती हूँ। अच्छा है, दो डिशेस हो जाएंगे। ओहो, दो दो डिशेस, अभी से बड़ा ख्याल है यार। सुनो, जब हमजा आएगा ना फिर पूछूंगी तुमसे। चलो लेकर जाओ। जाओ, हमजा को ले आती हो बात बात में तुम। इजहार साहब, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो? आज मैं मार्केट गई थी, वहां कर्नल साहब की बेगम से मुलाकात हुई। अच्छा, कैसी हूँ? वो तो ठीक है, लेकिन उनके साथ उनकी भांजी भी थी, बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे हमजा के लिए बिल्कुल फिट रहेगी। कैसी बातें कर रही हो माजनी बेगम? अभी तो उसकी तालीम चल रही है, और दूसरे ये कि वो घर का बोझ कहाँ उठा सकता है अभी। एक साल तक तो आप भूल ही जाएं बिल्कुल। अरे जार साहब, मैं कौन सा अभी शादी के लिए कह रही हूँ, हम रिश्ता डालकर कोई रस्म कर लेते हैं। देखे ना, इतनी अच्छी बच्चियों के रिश्ते फौरन तय हो जाते हैं। हम शादी के लिए उनसे थोड़ा सा टाइम मांग लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए तो पहले बेटे की रजामंदी तो पूछ लो। हो सकता है कि वो कुछ और चाहता हो। मतलब मैं आपका बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन आप भी अच्छी तरह से समझ लें कि वो जो चाहता है ना, वो हरगिज नहीं होगा। अरे जो कुछ आपके साथ हुआ, क्या वो कम है? बिला वजह की बातें कर रही हैं आप। ऐसा करें, मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दें। छोड़े, फिर बात कर लें। चाय वाय कोई नहीं मिल रही आपको? सूप बनाया मैंने, वो लेकर आती। तो फिर मदिया में कह रही थी जुनैद भाई आएंगे तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो मैं अपनी नंद को लाना चाह रही हूँ कि सानिया से मिल ले। वो हमारे घर की बड़ी हैं, और बड़ों को अपने फैसले में शामिल करने में हमें खुशी होती है। जी ज़रूर लाइएगा। अब हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं है, ज़िंदगी के जितने भी फैसले किए जुनैद तो मैंने एक साथ किए। चलें, तो फिर तय हो गया कि हम कल आ रहे हैं आपकी तरफ।
कल शाम जी? क्यों, कोई मसरूफियत है आपकी? नहीं, ज़रूर आइएगा, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे। सुन लिया अभियान, ये घर तो मेरा हुआ, ऐसा करना तुम अपनी फुफ्फो को हमारे घर लेकर आ जाना कर। अभियान, मुझे तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी लगी, आप बहुत दिलचस्प खातून हैं। और आप यकीन करें, मुझे भी आप लोगों से मिलके इतनी अपनाइयत हुई कि मुझे लग ही नहीं रहा आप लोग पर आए हैं। वरना मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं हर एक के साथ मजाक करूं। और ये बच्ची मेरी जान है। चलो फिर कल मिलते हैं। हाँ, ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा मदिया, कैसी हैं आप मिस सानिया जुनैद? ठीक ठाक? हाँ, आप? मैं आपका डॉक्टर हूँ। सॉरी, आप लगे नहीं मुझे डॉक्टर। लेकिन आप मरीजा हैं। मैं मरीजा नहीं हूँ। अच्छा, अगर आप मरीजा नहीं हैं तो हॉस्पिटल में क्या पिकनिक मनाने आएंगी? I'm sorry, आपको शायद बुरा लग गया, लेकिन आप देखने से मुझे बिल्कुल डॉक्टर नहीं लगे। तो अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो क्या मैं आपको रिक्शे वाला लग रहा हूँ? अम्मी का नंबर मिल सकता है? जी, क्या डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो रिपोर्ट्स तो क्लियर हैं, लेकिन वो मेरी अम्मी आपकी अम्मी से कुछ बात करना चाह रही थी। तो
सानिया, हर वक्त ड्रेसिंग के आगे खड़ी करती क्या रहती हो तुम? अम्मा ने कहा था खाना पका लो, मैं अकेले किचन में लगी हूँ, आओ मेरी हेल्प करो। हाँ तुम चलो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, जल्दी आओ। हूँ कैसे बताऊँ इतने अजीब की शाम है, वैसे ज़रूरत ही क्या है सानिया को बताने की, ऐनी परेशान हो जाएंगी। घर में खुशी आ रही है, कोई ज़रूरत नहीं किसी को कुछ भी बताने की, खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। इसमें कौन सा कोई तकलीफ या दर्द है? अस्सलाम वालेकुम। मदिया, ये नजमा है, अभियान की फुप्पो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे ना प्लीज। अभियान नहीं आया? डॉक्टर्स की ड्यूटी का तो आपको मालूम है, अब हमें सानिया को समझाना होगा कि उसको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। वैसे अभियान प्लान कर रहा है अपनी प्राइवेट क्लिनिक का, तभी उसके पास कुछ टाइम होगा घर को देने के लिए। कैसी कुर्बानी, बीवी को तो अपने शौहर के हर काम में मदद करनी चाहिए, तभी तो अच्छी बीवी कहलाती है ना। अच्छा कहाँ है हमारी बेटी? किचन में होगी यकीन है। नहीं मैं बुलाती हूँ। सानिया बेटा, आंटी आ गई, आ जाओ बेटा। वालेकुम सलाम नजमा। वालेकुम सलाम बैठो बेटा। कैसी लगी है माई पसंद आपको? माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अच्छा बेटा कहाँ तक पढ़ा है आपने? मैंने मास्टर्स किया है होम इकोनॉमिक्स में। अच्छा मास्टर किया है, प्राइवेट किया है? नहीं मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा जी। को एजुकेशन। तो लड़कों के साथ तो अफेयर्स भी रहे होंगे? जी ये आप क्या कह रही हैं भाई? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगी तो ताल्लुकात तो रहेंगे। हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी बहू के कितने लोगों के साथ चक्कर रहे हैं। शुमाइला, हमारी घर की लड़कियां लड़कों से दोस्ती नहीं करती। मेरे बेटे से तो कर ली दोस्ती। मेरा ख्याल है आप लोग जाएं यहां से प्लीज। अरे आप बिला वजह नाराज हो रही हैं। बिला वजह? बिला वजह? आप मेरी बेटी को इंसल्ट कर रही हैं, मेरी इंसल्ट कर रही हैं। आप हमें घर से निकलने को कह रही हैं? ये मेरी बेइज्जती नहीं है? नजमा चले यहां से। लेकिन शुमाइला जरा तसल्ली से बात। बस यहां से फौरन जाना है। सानिया मत रुक, मत रुक। बहुत अच्छा हुआ कि हमें पहले ही पता चल गया इनकी ज़हनियत का। मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मत रो। हाँ बोलो। बेवक्त फोन करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने पहचाना नहीं। मैं मदीहा, तुम्हारी कॉलेज की दोस्त। ओह, मैं दरअसल अमलियात में इतनी मसरूफ थी कि पता नहीं चला। कैसे फोन? सुंबल, तुमने जैसे बताया था मैंने वैसा ही किया।
پانی کا چھڑکاؤ کیا، تعویذ جلایا، تمہاری بات پہ پورا عمل کیا، لیکن گھر کی نحوست ابھی تک قائم ہے. ہوا کیا؟ وہ میری بڑی بیٹی کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے. لڑکا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا خاندان ہے. اس کی والدہ کے ساتھ بھی میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن اچانک پتہ نہیں اس کی ماں کا دماغ الٹ گیا. وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئی. سنبل، ایک خوشی آ رہی تھی میرے گھر، وہ بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے. خدا کے لیے کچھ کرو. تمہیں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، یہ کام جلد بازی کے نہیں ہے. تعویذ اثر کرتے کرتے تھوڑا وقت لگتا ہے. یہ بتاؤ بچیاں کیسی؟ علینا کو ایک دورہ پڑا تھا، لیکن جیسے میں نے اس کے ماتھے پہ تعویذ رکھا وہ ٹھیک ہو گئی. اس کا مطلب تعویذ اثر کر رہے ہیں. تم فکر مت کرو، تمہاری بچیوں کے اچھے رشتے بھی ہوں گے، تمہارا شوہر بھی گھر لوٹ آئے گا. بس تم پیسوں کا انتظار. جی کرتی ہوں کچھ. ابیان، آپ کی امی نے میرے کیریکٹر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں میرے افیئر رہ چکے ہیں. یہ سب باتیں انہوں نے میرے سامنے، میرے منہ پر، میرے گھر والوں کے سامنے کی ہیں ابیان. اور ایک بات اور مدیہ، آفس ذرا بتا کے آیا کرو، کبھی سندلیاں آ گئی تو اس کو بہت برا لگے گا. تو یقین نہیں آ رہا کہ ایک انسان اتنی مٹھائی کھا سکتا ہے. اماں کہیں آرینہ کا جن آ گیا. میرا جب کسی باتیں کر رہی ہے سانیہ آپ نہیں ایسی کہہ رہی، کوئی جن نہیں، ایسی کہہ رہی ہے، ایسی کہہ رہی ہے. اماں ہانیہ پہ کو کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں بیٹے، بس چکر آئے تھے تو بے ہوش ہو گئی تھی. تم نے ڈاکٹر مسرت کو فون کیا؟ کیا تھا، کوئی نہیں، فون نہیں اٹھایا انہوں نے. اماں رات کے ایک بج رہے، وہ کیسے فون اٹھائیں گے؟ آپ کچھ سوچیں.
बेटा फिर एम्बुलेंस बुलाते, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, उनको होश नहीं आ रहा इसको। बेटा ठीक हो तुम? क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटा तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही थी? वो तो सोते हुए मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने गई। वहां मैंने देखा कि एक सेकेंड बेटा उसे कमरे में ले जाओ। क्या देखा था आपने किचन में? कुछ नहीं देखा। चलो नहीं है आप आओ, चलो मेरे साथ सो आके बाद में अभी जाओ, अभी जाओ, चलो शाबाश। एक हाथ आप कुमार और मैंने मेरे हाथ देखा। क्या देखा? कि मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है, मुझे कोई बुला रहा था, उसने मेरा नाम लिया, उसने मुझे अपने पास बुलाया, उसने मुझे पकड़ा, उसने मुझे बहुत जोर से सारी रात आंखों में काटी। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि सुबह हो और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। तुम कह रही हो कि हानिया ने किचन में खुद को देखा? हाँ, उसने कहा कि उसने खुद को उन्हीं कपड़ों में खड़ा हुआ देखा, उसके हाथ में छुरी थी और देखते ही देखते उसने अपनी शहरक काट दी। हानिया तो ये मंजर देखे इतनी डर गई कि खड़ी खड़ी बेहोश हो गई, और जब मैं किचन में गई तो वो जानवर की तरह मिठाई खा रही थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती उस वक्त उसके चेहरे पे कैसी दरिंदगी थी। मुझे लगता है ये जो भी ताकत है उसका असल शिकार तुम्हारी छोटी बेटी ने मंजली बेटी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, ये चार तावीज है, घर जाते पहले खुद को बांधना, फिर तीनों बेटियों के बाजू पर बांधना। अब ये कुवत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इनको बांधने की कोई खास हिदायत? हाँ, इनको बस मगरिब के बाद बांधना, और बांधते वक्त कोई कुरानी सूरत या आयत मत पढ़ना। तुम नहीं जानती मदिया, ये रूहानी कुवतें जब आपस में लड़ती हैं तो एक दूसरे का असर जाहिल कर देती हैं। मैंने पहले से इस पर अल्लाह का कलाम पढ़ा हुआ है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ गए? अगर मेरे घर में सुकून आ जाएगा तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम सिर्फ पैसों को बंदोबस्त करो, तुम्हारा घर इन बलाओं से पाक रखना और तुम्हारे शौहर को वापस लाना मेरा काम है। मुझ पर छोड़ो।
پتہ نہیں کیا ہے لگ ہی نہیں رہا. فاطمہ بیٹا ذرا اپنا موبائل تو لے کے آنا. جی ابا آئی. جی ابا. دیکھنا بیٹا یہ ہانیہ کا ہی نمبر ہے نا. جی ابا ہانیہ کا. خیریت ہے؟ اتنی دیر سے ملا رہا ہوں لگ ہی نہیں رہا. ابا میری ابھی بات ہوئی تھی, علینا کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور وہ اسکول بھی جا رہی ہے, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں بیٹا کچھ بھی بہتر نہیں ہے, سب خراب ہو گیا ہے. ان کا گھر تو بیٹا تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے. کیا مطلب ابا؟ کیسی تاریکی؟ واہ بھائی یہاں باپ بیٹی بیٹھے آرام فرما رہے اور وہاں میں اکیلے کام میں لگی ہوئی ہوں. امی میرا اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گیا, آپ بتائیں کیا کام کرنا ہے, میں سب کر دیتی ہوں. رہنے دو. اور یہ حمزہ کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا. میڈیکل اسٹور تک گیا ہے, میں نے اس سے دوائیاں منگوائی ہیں. آپ کس سے فون ملا رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں, بس ایسے ہی. اب تم یہاں بیٹھی رہو گی تو کھانا خود بخود ٹیبل پہ نہیں لگ جائے گا. میں بس اٹھی رہی تھی, آ جائیں آپ دونوں, میں کھانا لگا رہی ہوں. چلیے تم کھانا لگواؤ, میں ہاتھ دھو کے آتا ہوں. اے اللہ سمجھ گئے. رضوان میں آ گیا ہوں. جو ملتے ہیں نا صبح پھر بات کرتا ہوں. اس کو پہننے سے سب ٹھیک ہو جائے گا نا بیٹا؟ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. اماں ویسے آپ ہماری وجہ سے کتنا کچھ سہتی ہیں, آپ کی محبت کی وجہ سے یہ گھر جڑا ہوا ہے. اللہ کرے یہ باندھنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اماں یہ میں اسکول بھی پہن کے جاؤں گی. ہاں بیٹا اسے ہر وقت پہنے رکھنا ہے, یہ موم جامے میں سلاوا تعویذ ہے, اس کو نہاتے وقت بھی نہیں اتارنا, ٹھیک ہے؟ اگر میری فرینڈز پوچھیں گی تو میں کیا کہوں گی؟ اسکول جانے سے پہلے میں تمہاری شرٹ کے اندر باندھ لوں گی, ٹھیک ہے؟ پھر کوئی نہیں دیکھ سکے گا. اماں یہ پہننے کے بعد بہت عجیب سا احساس ہو رہا ہے. کیسا احساس؟ جیسے میں کوئی بہت برا خواب دیکھ رہی ہوں, جیسے مصیبتیں آنے والی ہیں, جیسے بہت برا ہونے والا ہے کچھ. نہیں بیٹا الٹی سیدھی باتیں مت. اماں میرا دل بہت بھاری لگ رہا ہے, جیسے سانس نہیں آ رہا مجھے. نہیں بیٹا تم لوگوں کا وہم ہے, دیکھو اللہ کا کلام ہے, کچھ تو اثر ہوگا نا. بلکہ مجھے لگتا ہے اس کا اثر شروع ہو گیا ہے. شیطانی طاقتوں سے لڑنے کے لیے کچھ تو قربانی دینی پڑے گی. یہ لو تم میرے بازو پہ باندھ لو. چلو نہیں کیا, بہت بھاری سی فیلنگ ہے. صحیح ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک ہفتے میں پورا گھر مٹی سے بھر گیا تھا, اب جا کے صفائی مکمل ہوئی ہے. سندل بی بی آپ ہی کچھ ہو گئے نا, ہماری تو نہ ہی ہے. کس کا فون آیا؟ باجی کا. اتنی رات گئے؟ ایک سیکنڈ. ایسی کیا بات ہے جو میرے سامنے نہیں آ سکتی؟ تم لوگ تو 15 دن کے لیے گئے تھے نا, تو اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے؟ بس باجی کیا بتاؤں, جنید کے آفس کا کام آ گیا تھا, واپس آنا پڑ گیا. اسے اچھا ہی ہوا, مالدیوز میں سمندر دیکھ دیکھ کے دل اکتا گیا تھا. وہاں پہ اور ہے کیا؟
और वैसे भी ऑफिस का साथ तो जिंदगी भर रहेगा। खैर अच्छा किया तुम लोग आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कैसी जरूरत? वक्त आने पर बता दो। हेलो बाजी, क्या लेने आए यहाँ पर आप? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मेरे बार बार फोन करने पे भी आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मैंने मम्मी से भी पूछा, वो भी गोल मोल जवाब दे रही हैं। आपका भी एटीट्यूड है, आखिर मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पे क्या होगा बताइए। अभियान मुझे लगता है कि मैं आपकी अम्मी को पसंद नहीं। क्या बात कर रही हैं आप, मेरी अम्मी मेरे हर खुशी में खुश रहेंगी। उनको पता है आप मेरी खुशी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी उन्होंने मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें की हैं। क्या क्या कह रही हैं आप? अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो आपसे क्यों कहेंगी, उन्होंने तो अपने खदशात हमारे सामने रखे थे। और आप ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जाएं अपनी अम्मी से पूछें, वो बताएंगी आपको। मैं हॉस्पिटल में था, एमरजेंसी में था दो दिन से। अम्मी से मेरी ससरी बात हुई है। सानिया आप बताएं आखिर बात क्या हुई, बताइए प्लीज। अभियान आपकी अम्मी ने मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी में मेरे अफेयर रह चुके हैं। ये सब बातें उन्होंने मेरे सामने, मेरे मुंह पर, मेरे घर वालों के सामने की हैं। अभियान हम लोग इज्जतदार लोग हैं, उनकी नजर में मैं एक गिरी पड़ी लड़की हूँ, दैट्स इट। मेरी अम्मी हरगिज़ ऐसी बात नहीं कर सकती, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब मैं झूठी भी हो गई ना, आप क्यों नहीं अपनी अम्मी की पसंद की शादी कर लेते? जो लड़की अच्छी लगे उनकी नजरों में, उनको अच्छी लगे, आपको अच्छी लगे, मेरा पीछा छोड़ दें और जाएं यहाँ से। अब कुछ नहीं रखा यहाँ। लॉकर की चाबी चाहिए थी। इस उम्र में जेवरात की क्या जरूरत पड़ गई? दूसरी शादी करने तो नहीं जा रही? अभी मैंने तुमको तलाक नहीं दिया। फरजाना की बेटी की शादी है। तो वो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, बच्चियों के लिए चाहिए। वो फरजाना की बेटी के साथ उनकी बहुत दोस्ती है ना, तो वो पहन के जाना चाह रही थी। एक तो तुम रोना रोती रहती हो अलीना का कि वो बीमार है, हालांकि उसको कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये शादियां, समझ में नहीं आता है। ये लो ये चाबियां,
अब अगर लुट गई ना तो मेरे पास रोते हुए मत आना तुम। और एक बार और सुन लो, तुम्हारी बच्चियों के जहेज का इंतजाम कर लिया मैंने, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। और एक बात और मदिया, ऑफिस जरा बता के आया करो, कभी संदलियां आ गई तो उसको बहुत बुरा लगेगा। वही दरवाजा बंद करके जाओ। वसीम साहब को वापस भेजो। देखता